उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। यह लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में, पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे, उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे, उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही MSP का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के लिए विजन है कि हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड
में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। प्राकृतिक खेती की दिशा उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी और उस कार्यक्रम के तहत यहां पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। प्रदेश में इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हैं, उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के जो 5-5 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी शून्य तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों की दिशा अन्य जो तमाम घोषणाएं की हैं, जो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं, उसमें MSP का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान, सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषादराज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। MBBS और PG की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दुगनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदसर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। बुजुर्ग पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। प्रदेश के अंदर
युवाओं के लिए, खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और पुनास्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए भी, जिसमें हम 51,000 रुपये गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी जाति मत मजहब से जुड़ी हुई कन्या हो, 51,000 रुपये हम उसके लिए उपलब्ध करवाते हैं, तो वह उसके लिए भी विगत वर्ष तक प्रतिवर्ष 250 रुपये हुआ करता था, इस बार हम लोगों ने इसको इस राशि को बढ़ा करके 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 300 से बढ़ाकर के 1,000 रुपया किया गया है और इसके लिए भी जो पहले धनराशि गत वर्ष तक 1812 करोड़ हुआ करती थी, इस राशि को बढ़ाकर के 4,032 करोड़ रुपये किया गया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, जिससे वह अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर उसको उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसे कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि गत वर्ष तक ये राशि 3600 करोड़ रुपये सालाना हुआ करती थी, इस बार इसको बढ़ा करके 7000 करोड़ रुपये से अधिक की इसको इसमें बढ़ोतरी की है। यह राशि भी पहले उन बुजुर्गों को 300 रुपये मिलती थी, फिर वो बढ़ा करके 500 हमारी सरकार ने किया और उसे इस समय 1000 रुपये करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के अंदर जो सुगर मिल है, चीनी उद्योग में विगत कुछ वर्षों के दौरान, पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने देश में बहुत अग्रणी भूमिका में काम किया है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने प्रदेश में चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया। गन्ना किसान के मन में उसके प्रति एक विशेष उत्साह भी है कि पहली बार ऐसे देखने को मिला जब कि सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेकर के गन्ना किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले बार 3 चीनी मिलों की नई स्थापना की थी, इसमें रमाला चीनी मिल, मुंडेरवा चीनी मिल और पिपराई चीनी मिल। इसके अलावा कुछ चीनी मिलों को जो बंद थे उनको हमने प्रारंभ किया। इस बार भी लगभग 6 ऐसी चीनी मिलों के लिए जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके एक्सपेंशन और वहां उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें क्षमता विस्तार के साथ साथ वहां पर आधुनिक चीनी मिलें लग सकें। ये प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हैं, उसमें सांथा है, ननोता है, आपके छाता चीनी मिल है, बुड़वल है, इसी के साथ ही जो मोहद्दीनपुर मेरठ की चीनी मिल है उसमें डिस्टिलरी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। मित्रों, 2019 का प्रयागराज कुंभ उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाया। यह हमारा सौभाग्य है 2025 में फिर महाकुंभ का आयोजन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। हमारी सरकार अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने जा रही है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए एक अलग से मत खोल करके प्रयागराज कुंभ को फिर से ऐतिहासिक बना करके देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में से प्रस्तुत करने के लिए यह व्यवस्था भी इसमें की गई है। लोक परंपरा और लोक संस्कृति किसी भी सांस्कृतिक विरासत की आधार होती है। लोक गाथा, लोक परंपरा इस संस्कृति की आत्मा होती है। प्रदेश इस दिशा से बहुत समृद्ध है कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अयो अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, सांस्कृतिक विरासत की आधार होती है।
लोक गाथा, लोक परंपरा इस संस्कृति की आत्मा होती है। प्रदेश इस दृश्य से बहुत समृद्ध है कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अयो अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, ब्रज हमारा जो क्षेत्र है इसमें ब्रजभाषा बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोली जाती है। इन सब के भी एकेडमी स्थापित हो, इन पर शोध हो, वहां पर इन लोक परंपराओं और लोक भाषाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य हो सके, इसके लिए संत कबीरदास भोजपुरी एकेडमी, केशवदास बुंदेली अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी और संत सूरदास ब्रजभाषा अकादमी के स्थापना की कार्रवाई को भी हम इस बजट में हम लोगों ने स्थान दिया है। वाराणसी में वहां पर काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना के बाद जो टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है, प्रतिदिन 1,00,000 श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थ आ रहा है। काशी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप समग्र विकास को देखकर के भूत होता है। वाराणसी में श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए, स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए रोपवे के निर्माण के साथ ही मेट्रो के निर्माण के कार्रवाई का भी प्रावधान गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ इस सिटी में भी हम लोगों ने मेट्रो परियोजना के लिए भी प्रयागराज